हेलो दोस्तों, मैं हूं एजे। आप देख रहे हैं द 12th पासर और ये वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का 7 से 12 के क्वेश्चन। तो भैया, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड की नज़र से ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन, वो भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन, हमेशा से आते रहे हैं। और जहाँ तक रही एचबीएससी की बात, मेरे वाले बोर्ड की बात, तो भैया एचबीएससी बोर्ड के अंदर ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आपको यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए भैया स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वेशन क्या है। शो दैट द रिलेशन आर, और रिलेशन क्या है, ए बी सेज दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, इट मीन इंटीजर है, एंड ए बी इज इवन, क्या ए और बी है वो सम संख्याएं हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है। तो भैया किस तरह से हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहला, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी दिया है उसको लिख लीजिए, हेयर रिलेशन एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब पहले स्टेप के अंदर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो भैया वो किस तरह से होगा, देन किधर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ए प्लस ए क्या होता है, टू ए, यानी कि अगर 2a है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इवन नंबर है, उसे मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब ये दो के साथ पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है एक इवन नंबर है, सो ए ए बिलोंग्स आर फोर, एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि हर एक ए जो इंटीजर हो वहाँ पर आपको ए मिल जाएगा। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है भैया, अब सेकेंड स्टेप के अंदर देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम इसको सिमेट्रिकल प्रूव करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे, लेट किया ए बी बिलोंग्स टू आर, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। देयर जहां पर ए बी जो है वो इंटीजर है, और अगर ऐसा है तो ए प्लस बी जो है वो इवन होगा, और अगर ए प्लस बी भी, ए प्लस बी जो इवन है, तो ये ज़रूर है कि बी प्लस ए भी इवन होगा। मान लीजिए 1 + 3 जो है वो इवन है, हमें पता है, तो 3 + 1 भी तो इवन होगा, इसका मतलब बी और ए भी बिलोंग करेगा आर से। तो यानी कि ये जो है वो सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया इस तरह से। अब भैया थर्ड स्टेप के अंदर हम इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। उसके लिए क्या, वही पहला स्टेप लेट करेंगे कि ए भी बिलोंग करता है आर से रिलेशन से, और बी से भी बिलोंग करता है आर से। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी तीनों जेड से, यानी कि इंटीजर्स हैं। ओके डन। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर होगा, और बी प्लस सी भी एक इवन नंबर होगा। अब क्या करना है कि इन सभी को ऐड कर देंगे, तो इन सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास मिलेगा ए प्लस सी प्लस टू बी, टू बी। ठीक है, तो ये भी जो है ये भी एक इवन नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि इवन में अगर इवन को ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक इवन वैल्यू है और ये भी इवन वैल्यू, तो इवन में जब इवन को ऐड करते हैं तो हमारे पास इवन वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है एक इवन वैल्यू होगी, ए प्लस सी भी एक इवन वैल्यू होगी, तो ए सी बिलोंग्स आर हो गया। इसका मतलब दिस आर इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब आर जो है वो ट्रांजिटिव है। और जब हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई रिलेशन, तीनों रिलेशन होता है, तो इसका मतलब पूरा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो भैया इस तरह से हम आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। तो भैया ये है 8th क्वेश्चन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार। तो लेट एस, एस दिया इन्होंने, एस बी ए रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर डिफाइन बाय एस। एस क्या है, ए बी सिज दैट आर क्रॉस आर, आर मल्टीप्लाई आर सिज दैट, सॉरी बिलोंग्स, ये सॉरी बिलोंग्स टू आर मल्टीप्लाई आर, यानी कि आर टू आर, आर टू आर ये रिलेशन है। ठीक है, इन मल्टीप्लाई का मतलब रिलेशन के लिए होता है। ठीक है भैया, और सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। तो मैं प्रूव करना, प्रूव दैट द एस इन
एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहला ये नोट वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या है कि हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो भैया इधर ध्यान दीजिए कि अपने पास इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए तीन स्टेप होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन इनमें से एक भी नहीं है ना, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो फर्स्टली सबसे पहले तो गिवन है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए करते हैं। तो पहला स्टेप है सिमेट्रिक के लिए, तो वी हैव, तो एक जो है वो आर से बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट वन स्क्वेयर प्लस वन कितना होता है, टू होता है, जो कि एक से बिलोंग नहीं करता, यानी कि ए ए इज एस से बिलोंग भैया ये नहीं करता। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए जो है, इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो जाता, क्योंकि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों होना ज़रूरी है, तब वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो जस्ट ये स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या है, वी नो ऑफ एनी रिलेशन, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, वी नो इफ एनी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो that also reflexive, symmetric and transitive, but here relation is not reflexive, hence R is not equivalence relation. तो ये इधर से भैया हो जाता है प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को HBSC के ये टेस्ट के शायद मेरे, मैंने किया हुआ याद आ रहा है 2000 पिछले साल हमारी ड्यूटी के अंदर मैंने ये शायद क्वेश्चन किया था। ठीक है भैया, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, नाइन्थ क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन इज कॉन्कुरेंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लान ऑफ इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। भैया की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक है मेरी तरफ से, हाँ मतलब हिंदी में मतलब बता सकता हूँ सर्वांशम, मतलब दो चीजें जब एक जैसी होती है तो उनको सर्वांशम या फिर एक कॉन्कुरेंट बोलते हैं। ठीक है भैया, अब सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन देखिए, तो ट्राइंगल दिए हैं एक प्लान के जो कॉन्कुरेंट है। ठीक है, तो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लान एंड आर ऑफ बी द रिलेशन डिफाइन ऑन ए एज इज कॉन्कुरेंट टू। ठीक है, कि रिलेशन जो है वो ऐसे ट्राइंगल्स के बीच है जो सर्वांशम या फिर कॉन्कुरेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। कैसे, रिफ्लेक्सिव में हम जानते हैं, रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं कि सेम सेम बिलोंग करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्कुरेंट ऑफ इटसेल्फ, जो ट्राइंगल है वो खुद का सर्वांशम, खुद जैसा ही होता है, खुद का कॉन्कुरेंट ही होता है। ठीक है भैया, अगर एक ट्राइंगल ऐसा तो मतलब वहीं उसकी इमेज वो खुद का कॉन्कुरेंट तो हो हीगा भैया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट स्टेप है सिमेट्रिक के लिए, क्या सिमेट्रिक में देखिए, सबसे पहले लेट कर लीजिए इसको ए बी बिलोंग्स टू आर, कि जो ए बी है वो अपना रिलेशन से बिलोंग करता है, और इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ए इज कॉन्कुरेंट टू ट्राइंगल बी, और मान लीजिए अगर कोई ए ट्राइंगल बी का कॉन्कुरेंट है, मतलब बी के सर्वांशम बी के बराबर है, तो बी भी ए के बराबर होगा, देन ट्राइंगल बी इज ऑल्सो कॉन्कुरेंट ऑफ ए, तो बी ए बिलोंग्स टू ऑल्सो आर, इसका मतलब जहाँ पर ए और बी दोनों ए से बिलोंग करते हो, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया भैया। थर्ड स्टेप ऐसे ही, सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी, इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ए कॉन्कुरेंट है बी का और बी है वो सी का है, और अगर ए बी का है यानी कि ए बी के इक्वल है और बी सी के, तो ए और सी भी दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग करता है आर से, जहाँ पर ये तीनों बिलोंग करते हैं ए से, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों प्रूफ हो गए, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है भैया, अब टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, ये CBSE 2010 सी सेट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, लेट एफ says that xy be a function define a relation r in x given by
रिलेशन क्या है, ए वी सेज दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इधर से बेस साफ प्रूव होता है कि ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होगा। चलिए आपको मैं सॉल्यूशन में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया है इन्होंने उसको एज इट इज लिख दिया, ओके डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स कि f of a इज इक्वल टू f of a हम जानते हैं, तो a a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू x, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। सेकंड स्टेप सिमेट्रिक के लिए, लेट a b बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज f of a इज इक्वल टू f of b। अगर a b r से बिलोंग करता है तो f of a और f of b इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो f of b और f of a भी इक्वल होंगे, यानी कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर से, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया भैया। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, वहीं बिल्कुल पहले वाला कि लेट कर लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है, ठीक है। अगर यानी कि ये दोनों तो सेम ही है और ये इसके बराबर है और ये जो है इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे भैया, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स आर, जहाँ पर ये तीनों एक्स से बिलोंग करते हो तो ये ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। इसका मतलब ये है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये क्वेश्चन हो गया भैया प्रूव। अब जो है इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सी बी एस सी के सैंपल 2010 के सैंपल पेपर के अंदर आया हुआ है भैया, तो इसके ऊपर रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इन n multiply n show that the relation defined by AB relate CD if and only if AD is equal to BC is an equivalence relation। तो ये किस तरह से हुआ भैया, तो सबसे पहले इधर लिखेंगे it is given that ये दिया हुआ है AB related CD if and only if AD is equal to BC। AB CD से कब रिलेट करेगा, जब AD इक्वल हो BC के, तो अब इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो सबसे पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव का, हमेशा रिफ्लेक्सिव का ही रखेंगे। तो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू N क्रॉस N वी हैव AD इज इक्वल टू BA, तो अब हमको क्या करना होगा भैया, इसका मतलब क्या हुआ, AB रिलेट AB फॉर एवरी AB क्रॉस एन क्रॉस एन, ठीक है। तो इसका मतलब ये भैया रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है इसको, ये कैसे होगा, लेट किया ए बी रिलेट सी डी, ठीक है, कि ए बी जो सी डी से रिलेट करता है, जहाँ पर ए बी और सी डी बिलोंग करते हैं एन से, ठीक है भैया। हाँ भैया, इधर अगर कन्फ्यूजन हो तो देखिए कि ये ए बी है इज इक्वल टू बी ए, कैसे मतलब कि ए बी बी ए के इक्वल है, हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई इस तरह से कर लीजिए कि दो को थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए या थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसमें इशू कैसे करेंगे कि यहाँ पर ए बी और सी डी जो है वो एन मल्टीप्लाई एन से बिलोंग करना चाहिए, नंबर मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ए डी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है ए डी के, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि यहाँ से हमें मिला कि सी बी इक्वल है डी ए के, इट इम्प्लाइज सी डी रिलेट ए डी, ठीक है, सी डी रिलेट ए डी, क्योंकि देखिए बी सी कॉमन हो गया ना, तो यानी कि और तो इसको बी सी को चाहे तो बी सी लिखे या फिर सी बी लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसको डी ए लिखे ए डी लिखे या डी ए लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि सी डी रिलेट ए बी, इसका मतलब हुआ कि ए बी रिलेट सी डी, इट इम्प्लाइज सी डी रिलेट ए बी, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स एन मल्टीप्लाई एन, दस आर इज सिमेट्रिक, तो इधर आर सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या है कि लेट करेंगे ए बी रिलेट सी डी एंड सी डी रिलेट रिलेट ई एफ, वेयर ए डी सी डी और ई एफ वे बिलोंग करते हैं एन मल्टीप्लाई एन से, तो वही पहले की तरह
कि AD इज इक्वल टू BC एंड ये दोनों दर्शाते हैं कि AD जो है वो BC के इक्वल है, और ये दिखाता है कि CF जो है वो DE के इक्वल है। अब क्या करेंगे कि इनकी मल्टी यानी कि AD मल्टीप्लाई CF इज इक्वल टू होगा BC मल्टीप्लाई DE के। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो AD CF इज इक्वल टू BCDE, यानी कि ये दर्शाता है कि AF इज इक्वल टू BE, इसका मतलब AB रिलेट EF, जहाँ पर AB CD और EF दोनों n मल्टीप्लाई n से रिलेट करेंगे। तो ये जो है ये ट्रांजिटिव भी यहाँ से होता है भैया प्रूफ, ठीक है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब भैया इस क्वेश्चन का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट भैया, ये जो क्वेश्चन है थोड़े से मतलब टिपिकल है, समझाने में मुश्किल और समझने में मुश्किल, तो इनको आप एक्सरसाइज मतलब जितने बार करोगे खुद करोगे उतने बार आपको श्योर होते रहेंगे। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ तो समझाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जब मैं निकालने के लिए कहोगे तो झट से आप खुद भी मतलब प्रैक्टिस करोगे तो झट से निकाल दोगे, इतने ईजी क्वेश्चन है ये, लेकिन एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इनको एक बार रीड कर लेते हैं 12th क्वेश्चन को। इफ आर इज अ रिलेशन इन एन इंटू एन डिफाइन बाई ए बी रिलेट सी डी, वही पहला क्वेश्चन है। इफ एंड ओनली इफ, इसमें बस ये चेंज कर दिया कि ए डी इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वहीं पहले की तरह इसको लिखेंगे, ठीक है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ओके डन। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, कैसे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स एन इन टू एन वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इनको ऐड कर दीजिए, किसी तरह से ऐड कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप 2+3 लिखेंगे तो भी 5 आएगा, और 3+2 लिखेंगे तो भी हमारे पास 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो भैया इससे क्या हमें मिलता है कि ए बी रिलेट ए बी, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स एन क्रॉस एन, दस आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स एन इन टू एन वी वी है, तो हमें मिलता है ए बी रिलेट सी डी, इट इम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ऐसा है तो डी प्लस ए इज इक्वल होगा सी प्लस डी के, और अगर ऐसा है तो सी प्लस डी सी अब सी प्लस डी इज इक्वल टू होगा डी प्लस ए के, यानी कि सी डी रिलेट ए डी, ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ठीक है। ये कितने गया, ये इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। यानी कि सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी भी बिलोंग करेगा, तो हमने इसको बिल्कुल इसको ऑपोजिट कर दिया, ठीक है, ये इस तरफ था अभी इस तरफ हो गया, और मतलब ऑपोजिट करना होता है भैया, बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर दीजिए और आपके पास जो है आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिए आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो गई, अगर आपको समझ ना आए तो सॉरी, ठीक है, मैं फिर से स्लो करता हूँ इसको। तो ये जो है ऑपोजिट हो गया, तब ये हो गया सिमेट्रिक। अब थर्ड स्टेप के अंदर इसको ट्रांजिटिव प्रूव कर देंगे और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा भैया। तो फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ, तीन ले लिए, तीन उठा लिए, ठीक है, जो एन इंटू एन से बिलोंग करे, तो इनसे हमें क्या मिलता है कि ए बी रिलेट सी डी एंड सी डी रिलेट ई एफ, जो दिखाते हैं कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी, और एंड सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ठीक है। जब इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको और इसको, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी ई, और यहाँ से मिलता है कि ए प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, सो इट इम्प्लाइज ए डी रिलेट ई एफ EF, तो भैया ये हो गया, शो हो गया, ठीक है। क्या होता था कि अगर ए बी और बी सी, तो ए सी, ठीक है, ये बिलोंग करेगा आर से, वही हमने कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि अब ये और ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया ऑन एन क्रॉस एन पर, और ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया।
अब भैया आई एंड की बात, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कीजिए और अपने जो क्लास के ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए कि भैया ऐसे चैनल है जहां पर आपको एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। एट द एंड अपना इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और मैं ये अब साइनिंग ऑफ।